मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। 23 मार्च योम करारदादे पाकिस्तान, ये तकरीबन 80 बरस से ज़्यादा का वक्त है जब मीनार पाकिस्तान लाहौर, उस वक्त का मंटो पार्क, वहाँ करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदादे पाकिस्तान मंजूर करने में हर तबका है फिक्र के लोग मौजूद थे, सभी ने अपना अपना हिस्सा डाला। शायर मशरक हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं, आपका बहुत बड़ा किरदार है करारदादे पाकिस्तान की मंजूरी में और फिर क़याम पाकिस्तान में। हर चंद कि आप उसके बाद 1938 में इंतकाल फरमा गए थे, वो तहरीक पाकिस्तान का उसके बाद हिस्सा ना रहे, लेकिन 1940 में जब करारदाद मंजूर हुई तो उसमें अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप शायर थे तो शुआरा ने, डॉक्टर्स ने, वकला ने, इंजीनियर्स ने, जैसे बहुत सारे लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया है और अब तमीर व तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। आज भी शुआरा जो हैं वो मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मेरे साथ आज एक शायर ही मौजूद हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप अपना तफसीली तारुफ भी करवाएंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नसर निगार हैं। आपका शेरी मजमूआ पहले भी आ चुका है सबाए हुस्न के नाम से और आपका आने वाला नावल जो है किनारा के नाम से है। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हमजा चट्ठा साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहूँ। अस्सलाम वालेकुम चट्ठा साहब। चट्ठा साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चट्ठा साहब शायरी में कैसे आए, मतलब आप तो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, आप आपकी फैक्ट्री में? बस शुरू से लगाव था स्कूल टाइम से ना। अच्छा जी। बस ऐसे ही वो सिलेबस में कुछ नज़में थी उनको पढ़ पढ़ के फिर थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसमें मज़ा आया, फिर वो मैंने रूटीन के साथ में शुरू कर दिया। नहीं, ये जो तासुर दिया जाता है अमूमी तौर पर कि जब तक ठोकर ना लगे अच्छा शेर नहीं होता, शायरी नहीं होती, औरत का किसी ज़िंदगी में आना ज़रूरी है, ये एक मफरूज़ा है या सचमुच कुछ ऐसा है? शायरी के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, मोहब्बत तो होनी चाहिए, चाहे वो मट्टी से है, बहुत हो, या इंसान से है, औरत से है, या दीन से है। जैसे अलामा इकबाल साहब का आपने जिक्र किया, उनकी मोहब्बत थी इस ज़मीन से, बिल्कुल ठीक हो, तो उसी लिहाज से उन्होंने अपनी शायरी की। और साथ में उनका इश्क था बहुत, वो तो वली थे ना, तो इसी तरह बस पहले तो नहीं पता था कि औरत क्या है, लेकिन बाद में अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि वो क्या है, जन से है तस्वीर कायनात में रंग, क्या था वो बोला, वो मैंने मौजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। जी जी। और वो मैंने अपने नावल में भी लिखा था कि एक औरत जो है वो एक मर्द को 1000 मरतबा दीवाना कर सकती है। अच्छा। हाँ जी, इतनी सक्कत है औरत तो। अच्छा, शायरी जो है ये मतलब किसी से मुतासर होकर आपने शायरी शुरू की? जी मुतासर तो बिल्कुल इसी तरह सागर सिद्दीकी साहब से मैं मुतासर हुआ। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब। जी जी बिल्कुल, इनसे मुतासर हुआ, फिर ऐसा ऐसा ऐसे ही बस नसर में रुझान शुरू हो गया मेरा। नसर में किससे मुतासर है? मैं सुकरात पढ़ता था। नहीं, सुकरात तो नसर नहीं लिखते, नसर नहीं लिखते थे, लेकिन वो बुक्स से उधर से रुझान आया मुझे। नहीं, सुकरात जो है ये तो एक फिलासफर थे ना, फिलासफर बहुत बड़े फिलासफर बास लोगों ने पैगंबर में उनसे मैंने सबसे पहले उनकी बुक पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने नावल पढ़ने। उनकी कौन सी किताब पढ़ी आपने? उनकी बुक है सुकरात के नाम से, उनकी बुक है वो, तो उन्होंने जहर का प्याला पिया था। चले, उस किताब में जहर का प्याला उन्होंने पिया था, मतलब कि वो हालात जिंदगी है उनके, वाकयात है। मुख्तार शाह साहब ने भी लिखी, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। उनका वो एक मकबूला था कि होता जान की जिल्लत से गोहर को फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, तो इस तरह बस आगे आगे चलते चलते फिर मैंने। अच्छा, शायरी में आपका खास टॉपिक क्या है, मोहब्बत है, मुआशरती मसाइल हैं, दीन है क्या? शुरू में तो बस ऐसे ही लिखता था, फिर मोहब्बत और अब सोशल निज़ाम के ऊपर ना अफसाने भी लिखने शुरू कर दिए थे, जैसे जिसम राय फरोख्त, उस बाजार में, और ये सारे अखबारों में शायद भी होते रहे हैं। अच्छा जी जी। अब आगे वो नावल आ रहा किनारा। अच्छा जी, आपकी किताब जो आई सबाए हुस्न, इसकी इंस्पायरेशन ये कैसे ख्याल आया कि पूरी किताब आनी चाहिए? ये बस मैं लिखता था, मुझे नहीं था पता कि बुक आनी है क्या होना, बस अपने शौक के लिए लिखता था। इस तरह बस आप जैसे दोस्त मिले, फिर उन्होंने मशवरा दिया कि किताब छपवा, किताब की शक्ल में आनी चाहिए ना, ये आपके पास इस तरह मवाद है, तो फिर इसी तरीके से बस ये 2019 में मैंने ये शाया करवाया। अच्छा अच्छा, कुछ सुनाना पसंद फरमाएंगे इसमें से? जी बिल्कुल, आपका फेवरेट है इसमें? जी जी बिल्कुल, वो एक है कि तुम कहो या हम ही कहें कुछ, कुछ बात कहो या हम ही कहें कुछ, मुंह से कह दो मोहब्बत है तुमसे या उल्टा सीधा हम ही कहें कुछ, वाह,
देखो यहाँ है चांद और मैं, कोई और नहीं जो तुमको कह दे कुछ। चलो मैं ही सब कह देता हूँ, मान लेता हूँ तुम्हारी बात सनम, मुझे इश्क है तुमसे ऐसा लगता है, और प्यार मोहब्बत जैसा कुछ। वाह, तुम हो हमजा मेरे दिल के राही और धड़कन सांसों जैसा कुछ। वाह, ये कब लिखा आपने ये कलाम? ये उस टाइम मैं स्कूल लाइफ में था, मैट्रिक से पहले लिखा था ये, नाइन्थ में तकरीबन, आज से 5 साल पहले। अभी लिख रहे हैं इस किताब आने के बाद भी? जी बिल्कुल लिख रहा हूँ, लेकिन अभी ज्यादा रुझान मेरा नसर की तरफ है, शायरी की तरफ। शायरी की तरफ कम हो गया, वो नावल की तरफ ज्यादा हो गया अभी कुछ देर से। नहीं, आखिरी जो नज्म या गजल आपने जो कही वो सुनाए जरा। आखिरी वो अभी तो सर कोई नहीं, जेहन में आ रही है, नहीं मैंने। अच्छा चले, इसमें से कुछ और सुनाए अपने नाजरीन और कारीन को। जिससे है मेरी जिंदगी का रोशन चिराग, वो दिया तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। मेरी मोहब्बत के सागर को है जरूरत, वो किनारा तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। जिसको लिखता हूं मैं हर रोज लहू से, वो मेरी गजल तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। जिस फूल की खुशबू की जरूरत है मेरे आंगन को, वो खुशबू तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। जिसके लिए दुआ करता हूँ मोहब्बत के सहरा में अमीर, वो मेरी फरियाद तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। इस मट्टी के लिए भी कुछ लिखा है, इस वतन के लिए कुछ लिखा? नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, वो होता है एज के हिसाब से अभी जरा। अच्छा, अभी वतन से मोहब्बत की उम्र नहीं आई मेरे ख्याल में, तो जो बचपन का जमाना होता है वो उसमें ज्यादा होता है ये। तो आप कह रहे हैं कि वो इतना ज़हन नहीं ना अभी पका। अच्छा, वो हमारे हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पिरोडी बनाई हुई, उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो बचपन में जो उसके फेवरेट होते हैं, खुदा मेरे अबू सलामत रहें, और उसके बाद फिर वतन की मोहब्बत आ जाती है अबू की मोहब्बत के बाद, फिर उसके बाद माँ और बाप से मोहब्बत के बाद एक खातून जिंदगी में आती है, उससे मोहब्बत शुरू होती है, और फिर आखिर में मदीने की मोहब्बत शुरू होती है, फिर कहता है वो मदीने चले। उम्र के आखिर हिस्से में तो आप किस हिस्से में जाके वतन से मोहब्बत करेंगे? सर वतन से मोहब्बत शुरू से ही है। अच्छा जी, लेकिन अभी जेन उस लेवल पे नहीं ना पहुंचा उसका, जैसे वो गालिब ने या इकबाल साहब ने वतन के हिसाब से कुछ लिखा था, गालिब उस लेवल पे नहीं पहुंचे। वतन से मोहब्बत तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। गालिब ने वतन के मोहब्बत के हवाले से जो लिखा था वो है जहन में इस वक्त? नहीं। अच्छा चलिए, इकबाल ने तो बहुत कुछ लिखा, वो तो सभी के जहन में है। तो आपके फेवरेट शायर कौन से हैं? फेवरेट शायर सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी, उनका कोई कलाम याद है? कोई एक शेर याद है वो मुझे, कि तेरी मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अच्छा, ये सागर सिद्दीकी साहब का कलाम है, माशाल्लाह। इनके अलावा आपका कोई फेवरेट? इनके अलावा फैज साहब। अच्छा, तो यानी कि सारे आपके मरहूम जो हैं वो पसंदीदा हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मौजूदा में कोई पसंदीदा? वक्त हाजरा में तो कोई ऐसा नजर ही नहीं आता। अच्छा, कोई नजर नहीं आता। चलिए कोशिश करेंगे कि मैं इस काबिल बन जाऊं कि आपको कुछ नजर आए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में, मतलब जैसा होता है शुरा की जिंदगी में, खातून आती है इश्क हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सीन हो चुका है कि होना है अभी? मेरे ख्याल में हर इंसान की जिंदगी में एक दफा ऐसा लाजमी होता है। नहीं, मैंने आपसे पूछा, हो मेरी जिंदगी में भी आया ना ऐसा? अच्छा, ऐसा फेज आ चुका है। पता नहीं आप वो मोहब्बत इश्क था क्या था, वो कहीं और हम कहीं और, मतलब वो उधर पहाड़ों में जाके मैं तो बैठ गया खिड़ा में, चार चार माह बाद अब घर आता हूँ, तो बस वो कहते हैं ना वो अगर मोहब्बत करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, बस फिर हमने उधर ही जाके डेरा लगा लिया अपना और कारोबार करते हैं उधर। अच्छा, मोहब्बत से बड़ी जल्दी तोबा कर ली, एंड जवानी में तोबा कर ली मोहब्बत से, मतलब एक ही मोहब्बत ने इतना दिल बर्दाश्त कर दिया? हाँ ऐसे ही लगा ले बस। डेफिनेटली आपने रसूल हमजा तौफ को पढ़ा होगा। रसूल हमजा तौफ, मेरा दागिस्तान, छोटी सी किताब है उनकी, जैसे आपकी किताब है इससे थोड़ी सी ज्यादा जहीम होगी। उन्होंने जब मेरा दागिस्तान लिखी रसूल हमजा तौफ ने, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत और दिलचस्प वाक्य है जिनसे इंस्पायरेशन है रसूल हमजा तौफ की, वो अबू तालिब थे। अबू तालिब से बड़े इंस्पायर हैं रसूल हमजा तौफ, उनकी किताब में जा बजा उनका जिक्र मिलता है, अबू तालिब ने ये कहा, अबू तालिब ने ये कहा, अबू तालिब ने ये कहा। एक जगह पे अबू तालिब का किस्सा लिखते हैं, वो सुराही मरम्मत करते थे। आपको पता है हर दौर में बर्तन बदल जाते हैं ना, स्टील के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे, अब शीशे के बर्तन आ गए हैं, और मेरे ख्याल में तो अब पानी के बर्तन आने वाले हैं, बन गए हैं बल्कि पानी के बर्तन, वो जो समुद्री जहाज से बने हुए हैं डिस्पोजेबल। अच्छा, तो उस जमाने में सुराहियां होती थी
ये आई थिंक रशिया के हैं, रशिया के थे हाँ, दागिस्तान वहां का इलाका। तो वो सुराहियां मुरम्मत करते थे, पता लिखी पैदा हो जाती थी उनके पास। कहा जाता है रसूल हमजा तौफ लिखते हैं कि अबू तालिब के पास एक खातून आई बड़ी खूबसूरत सुराही मुरम्मत करवाने के लिए। अबू तालिब वहां के बड़े शायर हैं रशिया के, और दागिस्तान के तो शायद सबसे बड़े शायर रसूल हमजा तौफ के बकौल। तो वो उनके पास सुराही मुरम्मत करवानी, जब उसने अबू तालिब ने उस खातून को देखा तो वो देखता रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा हुस्न बलाखेज देखा ही नहीं था, सब कुछ वही था जो उसे चाहिए था, बिल्कुल वही सवर की औरत जो तसव्वुर करता हाँ, जैसी आंखें हैं। मेरी जिंदगी में तो ऐसी खातून नहीं आई जैसी आंखें चाहिए, उसकी आंखें वैसी हों। अगर आंखें वैसी मिल गई तो होंठ वैसे नहीं थे, अगर होंठ वैसे मिल गए तो उसका नाक वैसा नहीं था, अगर वो भी मिल गया तो जुल्फे वैसी नहीं थी और कदोकामत वैसी नहीं थी। मतलब रसूल हमजा तौफ कहता है कि अबू तालिब को बिल्कुल वो खातून मिल गई जिसकी वो तलाश में था, जो उसके तसव्वुर में थी। जब उसने देखा तो उसने कहा था अब इसे जाने नहीं देना। तो वो कहती है अबू तालिब मेरी सुराखी मरम्मत कर दो, कहते आप बैठे मैं कर देता हूँ। अब वो एम इधर उधर की मसरूफियात में उलझ गया, उसे तासर देने के लिए कि मैं तो काम में लगा हूँ। तो घंटा डेढ़ घंटा उसे बिठाए रखा और बार बार उसकी तरफ देखता था, कभी उसकी जुल्फे देखता, कभी उसके जिस्मानी खदोखाल देखता, उसके हुस्न बिलाखेज को देखता। उसके सर औरत समझ रही थी, उसे हर बात की समझ आ रही थी कि ये जो बंदा सुराही मरम्मत करने वाला ये कोई ठरकी आदमी है और मुझे बड़ा बार बार देखता है। तो रसूल हमजा तौफ लिखता है कि वो उसने उसे बिठाए रखा तो वो समझ गई, और वो कहती है अच्छा ऐसे है कि तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है, मैं कल आऊँगी और कल तक मेरी सुराही मरम्मत कर देना। वो चली गई खातून। अगले दिन फिर वो आ गई तो कहती है अबू तालिब तुमने मेरी सुराही मरम्मत कर दी है? वो कहता है सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला था, तुम बैठो मैं कर देता हूँ। फिर उसे बिठा लिया। वो कहने लगी कि ये तो बड़ा गजब का घटिया किस्म का ठरकी है। उसे कहती है कि देखो अगर मेरी सुराही मरम्मत करनी है तो जल्दी जल्दी कर दो वरना मैं ले जाती हूँ। अब उसने सुराही तो मरम्मत कर दी उसकी, लेकिन बड़ा कारीगर आदमी था, जहां से पहले लीकेज थी वहां पे तो उसने लीकेज खत्म कर दी, एक नई जगह पे लीकेज पैदा कर दी ताकि दोबारा हाँ दोबारा है। वो घर चली गई, घर गई तो एक नई जगह पे लीकेज थी, वो समझ गई दोबारा है। उसने सुराही फेंकी, कहती है बड़े बेशर्म आदमी हो तुम, बड़े ढीठ हो, मैं समझ गई थी तुम एक ठरकी आदमी, मैं लानत भेजती हूँ, मैं नई सुराही ले लूंगी। कहा जाता है कि उसके बाद वो चली गई और अबू तालिब की जिंदगी में ये था वो फेज जिसमें वो दिल टूटता है और फिर वो शायरी होती है गज़ब की शायरी जिसमें सोज होता है, गुदाज होता है, हिजर की कसक होती है, चुभन होती है। तो फिर रसूल हमजा तौफ लिखता है कि जो अबू तालिब ने फिर शायरी की पूरी, मतलब दागिस्तान में उसका शोहरा हो गया, शोहरत फैल गई। अब उस खातून की कहीं शादी हो गई, 10 साल गुजर गए, 10 साल में अबू तालिब अपने दागिस्तान का सबसे बड़ा शायर बन गया। कहते हैं एक मुशायरा पढ़ रहा था और खवातीन बाद में ऑटोग्राफ ले रही हैं तो वो खातून भी आके एक साइड पर खड़ी होगी। तो जब कुछ रश कम हुआ, जब भीड़ छटी तो कहती है अबू तालिब मुझे पहचाना है। अबू तालिब उसे कैसे भूल सकता था? उसने कहा तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो कहती है अबू तालिब बड़े खुश हो इतने बड़े शायर बन गए। वो कहता है हाँ बड़ा खुश हूँ। कहती है तुम्हारे आगे पीछे लोग हैं, औरतें तुम्हारे आगे पीछे हैं, ऑटोग्राफ ले रही हैं तो बड़े खुश होते होंगे। कहता हाँ बड़ा खुश हूँ। तो कहती है अबू तालिब जानते हो तुम्हें इतना बड़ा शायर किसने बनाया? वो कहते हैं आप बताएं किसने बनाया? वो कहती है अबू तालिब तुम्हें इतना बड़ा शायर मैंने बनाया। अबू तालिब कहता है तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम में ये एबिलिटी होती इतना बड़ा शायर बनाने की तो मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद लम्हात गुजारे थे, तुम्हारा शोहर मुझसे बड़ा शायर होता। याद रखिएगा कोई औरत किसी को शायर नहीं बनाती। रसूल हमजा तौफ की इस बात से जो मैंने सीखा, कोई औरत किसी का इश्क, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपको निखारता है इश्क, आपकी शख्सियत को बनाता है, और अगर उसमें हिजर आ जाए तो बिला शुबा अगर आप खुदकुशी नहीं कर लेते तो आप बड़े आदमी बनते हैं। लेकिन रसूल हमजा तौफ की इस बात से हमें लगता है कि जो औरत होती है, जो ये कंसेप्ट है कि एक औरत ही आपको शायर बनाती है, ये कतई तौर पर 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। उसकी वजह यह कि औरत आपको निखार सकती है उसका इश्क आपको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो शायर आपको बनाए। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका किरदार तो लाजमी होता है ना, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और वो जो उसकी बात है कि तुमने अगर तुम्हें कोई एबिलिटी होती तो अपने, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर उसमें कोई एबिलिटी होती तो जो जो देखता वो शायर होता। नहीं, सारे लोग तो नहीं बन सकते ना, सारे लोग तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो जो उसने देखा था ना हमजा, वो क्या नाम था उसका, अबू तालिब ने जो देखा, अबू तालिब ने जो देखा था ना, वो उसका शोर नहीं देख सका उसमें, बस यही है। तो यही है ना, इसका मतलब देखने में फर्क है भाई, आंख तो अबू तालिब की थी ना, तो इसका मतलब ये कि अबू तालिब के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे शायर बना गया जी, और मोहब्बत निखारती है इंसान को। चले अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको भी एक बहुत बड़ी मोहब्बत हो। बानो कुसिया कहती है कि हर बंदा अपनी जिंदगी में 7 इश्क करता है और सारे के सारे जंबो साइज होते हैं, और हर बंदा समझ रहा होता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी इश्क है, इसके बाद तो मैंने खुदकुशी कर ली, लेकिन वो अगले इश्क की फिर तैयारी कर लेता है। तो आपकी जिंदगी का, अभी तो आपने फरमाया कि सिर्फ एक इश्क आपने किया है,
अभी तो शेष बाकी हैं बानो को सिया के कहे के मुताबिक, जैसे हिंदुओं का है ना आवागमन का अकीदा सात जन्म वाला, तो बानो को सिया के अकीदे के मुताबिक तो अभी आपके छह इश्क बाकी हैं। चले कभी वक्त मिला तो वो भी करेंगे। अच्छा, जिंदगी ने वक्त हम देखेंगे कि एक इश्क की शाखसानी ये है कि आपने सवाए हुस्न लिखी इनकार आपकी या किनारा आपका नावल आ रहा है और आपने अफसाने भी लिख लिए, लेकिन जब अगले आप छह इश्क करेंगे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, फिर हम देखेंगे कि आप क्या क्या लिखते हैं। आखिर में क्या सुनाना पसंद करेंगे? आखिर में वो फैज का एक नज़म है। अब फैज साहब की। अच्छा जी। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, रकीब से। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, तुझसे खेली हैं वो महबूब जमाएं जिनमें उसके अफसुरदा मरबूज की महक बाकी है। बस बहुत शुक्रिया। ये थे अमीर हमजा चट्ठा साहब, नौजवान शायर। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, वक्त बहुत ज्यादा है, अभी इन्होंने बहुत आगे मंजिल की तरफ बढ़ना है, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। तो हम देखेंगे कि जब ये दोबारा इश्क करते हैं तो फिर ये इश्क की कारस्तानियाँ इन्हें क्या क्या लिखने पर उकसाती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।